आज हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में। सो, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिर अल्कोहल और ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर मैं हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करता हूं तो इस प्रोसेस को मैं ऑक्सीडेशन कहता हूं। और अगर मुझे किसी हाइड्रोकार्बन को किसी अल्कोहल या ईथर में आना है तो मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और अगर हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड की टोन में लाना है तो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, और हाइड्रोकार्बन को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आना है तो उसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। सिमिलरली, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन की तरफ आना है तो मैं इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहूंगा, और इस रिडक्शन प्रोसेस करवाने के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा हाइड्रोकार्बन के अंदर आना है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, और अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइल्ड और एक होते हैं आपके वेरी स्ट्रॉन्ग। माइल्ड में हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से इनके अंदर आना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? KMnO4 इन H+ मीडियम। लेकिन मुझे अगर हाइड्रोकार्बन से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आना है तो मैं लूंगा KMnO4 इन OH-। सेम हमारे माइल्ड और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड के केस में आ जाते हैं हमारे H2PD, और स्ट्रॉन्ग के केस में हम लोग लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो ये था आज का हमारा कन्वर्जन का एक टॉपिक वाया रिएजेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन की तरफ हम लोग जाएंगे सो उसमें क्या होगा? रिडक्शन। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करूंगा तो उसमें होगी हमारी ऑक्सीडेशन, और उसके लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें रिएजेंट्स चाहिए होंगे।